हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्साइटमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और हम आपको पढ़ा रहे हैं यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल कोर्स। चल रहा है हम लोग का रियल एनालिसिस का और ये है लेक्चर नंबर 9, रियल नंबर सिस्टम पार्ट 2। तो हम लोगों ने जो आपका सिलेबस आप देखोगे तो सिलेबस में आपका फर्स्ट टॉपिक लिखा हुआ है रियल नंबर सिस्टम एज एन ऑर्डर्ड फील्ड यूजिंग अपर लीस्ट बाउंड प्रॉपर्टी एंड सो ऑन। तो रियल नंबर को एक ऑर्डर्ड फील्ड के तरह कैसे जानते हैं हम लोग, व्हाट इज एन ऑर्डर्ड फील्ड, ये हम लोग सीखे थे। एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, उससे पहले ऑर्डर्ड फील्ड रिकैप करने से पहले हम लोग फील्ड पे पहले रिकैप करते हैं कि फील्ड क्या होता था। फील्ड इज बेसिकली अ सेट। तो हम इसका आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन भी लिखाए थे, फिर से लिखा दे रहे हैं, आप लिख लीजिए। जैसे कोई सेट है एफ और इसके साथ दो ऑपरेशन है, प्लस और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। सो इज सेड टू बी फील्ड, दिस इज सेड टू बी फील्ड इफ कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करनी होती है। नंबर वन, ए प्लस बी बिलोंग्स टू एफ For all AB belongs to F। जैसे हम लोग क्या बोलते थे, इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, कि अगर A और B F के एलिमेंट्स हैं, उस दोनों को आप ऐड करोगे तो वो सेट के अंदर ही होना चाहिए। सेकेंड, A प्लस ऑफ B प्लस C, तो ये एसोसिएटिव, बी और सी को एसोसिएट करके ए से ऐड करना और ए प्लस बी को एसोसिएट करके सी से ऐड करना, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। सो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एफ। सारे अभी एडिशन के रेस्पेक्ट में चल रहे हैं। थर्ड वे, देयर एग्जिस्ट जीरो इन द सेट एफ सच दैट 0 प्लस ए इक्वल्स टू ए प्लस 0 इक्वल्स टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ। ये भी सिंपल है कि इस सेट में एक एलिमेंट 0 ऐसा होगा जिसको किसी एलिमेंट के ऐड एलिमेंट से ऐड करने पे आपको वो घूम फिर करके वो एलिमेंट मिलने वाला है। सो हियर वी कैन राइट 0 प्लस ए इक्वल्स टू ए प्लस 0 इक्वल्स टू A, 0 प्लस ए प्लस ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए और ए बिलोंग्स टू एफ। ओके, कलर थोड़ा अच्छा आ रहा है। तो ये रहा आपका आइडेंटिटी नंबर 4। देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट बी बिलोंग्स टू एफ सच दैट For all A belongs to F, A plus B is equal to 0 is equal to B plus A। ये हो गया आपका आइडेंटिटी। ये हो गया क्या, एडिटिव इनवर्स। सारे एडिशन में क्लोज्ड, एसोसिएटिव, फिर आइडेंटिटी, फिर एडिटिव इनवर्स। कोई एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसको अगर आप ऐड करते हो तो यू विल गेट दैट आइडेंटिटी एलिमेंट। सेम सिमिलर चीज आपका मॉडर्न में ही सेम कॉन्सेप्ट था। ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, सो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ। ये भी आप जानते हो, इट्स कम्यूटेटिव, पलट दोगे सो द आंसर इज नॉट गोइंग टू चेंज इन एडिशन। नंबर 6, अब मल्टीप्लीकेशन के लिए देखते हैं कि a इंटू बी बिलोंग्स टू f फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू f, सो इट इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। इसके बाद फिर a टाइम्स b प्लस सी इक्वल्स टू
इसको क्या कर, रुको पहले एसोसिएटिव कर लेते हैं. सो ए इंटू बी सी इक्वल्स टू ए बी इंटू सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एफ. ये भी क्या हुआ, एसोसिएटिव हो गया. फिर नंबर एट में डिस्ट्रीब्यूटिव, ए टाइम्स बी प्लस सी अगर हम करते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूट होकर के ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एफ. समझे. फिर नंबर नाइन लिखो, कम्यूटेटिव मल्टीप्लीकेशन में कि अगर हम a इंटू बी करेंगे तो ये b इंटू ए मिलेगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू f. नोट करिए, मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव जा रहा है. फिर नंबर टेन, देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू f सच दैट 1 into a equals to a into 1 is equal to a for all a belongs to f. What does it mean? There exists an element 1 in the set f such that 1 से अगर किसी element a को आप multiply करते हो या फिर a को 1 से आप multiply करते हो so घूम फिर के आपको automatically a मिलने वाला है और a जो है वो set f के ही अंदर होगा. Then we have the last one. There exists an element B in the set F such that A into B equals to B into A equals to 1, जो कि nothing but उसका reciprocal देगा. So for all A belongs to F and here A is not equal to 0. A is not equal to 0. So, कितने प्रॉपर्टीज हो गए आप पे? 11 प्रॉपर्टीज हो गए कि कोई भी अगर एक सेट इस दो ऑपरेशन प्लस और मल्टीप्लीकेशन के साथ अगर एग्जिस्ट कर रहा है, इज बीइंग अप्लाइड ऑन दिस सेट, और वो ये पूरा का पूरा 11 प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई कर देता है तो वैसे सेट को हम लोग फील्ड बोलेंगे. क्लियर हो गया यहां से, पूरी तरह से बात समझ में आ जाना चाहिए कि फील्ड जिसको हम लोगों ने लीनियर अलजेब्रा में विजुअलाइज किया था, स्केलर फील्ड, ठीक है, विजुअलाइजेशन के लिए वही सही था, मैथमेटिकली आपको ये प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए. इतना समझ में आया. अगर मैं बोलूं कि रियल नंबर को आप टेस्ट करिए कि वेदर दैट इज अ फील्ड और नॉट, तो चेक वेदर सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्वेश्चन इज व्हाट, चेक वेदर वेदर सेट ऑफ रियल नंबर्स इज अ फील्ड और नॉट, इज अ फील्ड और नॉट. तो क्या आप चेक करके बता सकते हो कि सेट ऑफ रियल नंबर्स का जो सेट है वो फील्ड होगा या नहीं होगा? कैसे चेक कर रहे हैं आप? बस सिंपल F के जगह पे यू रिप्लेस दिस F विथ R. व्हाट आई एम सेइंग, यू रिप्लेस दिस F विथ R, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स के साथ आप प्लस और मल्टीप्लीकेशन का आप ऑपरेशन लगा दीजिए. अगर सारे के सारे प्रॉपर्टीज रियल नंबर्स में अगर वैलिड हैं, देन वी कैन से दैट द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज अ फील्ड. हाउ, देखिए एक एक करके चेक करते हैं. आप अलग से एग्जांपल करके लिख लीजिएगा हाउ रियल नंबर, इफ इफ क्वेश्चन इज प्रूव दैट द रियल सेट ऑफ रियल नंबर्स इज एन इज अ फील्ड, तो बोलोगे कि इट इज अ फील्ड. व्हाई? बिकॉज इट सेटिस्फाइज ऑल दीज प्रॉपर्टीज. बोलोगे सर कौन सा प्रॉपर्टीज, कैसा प्रॉपर्टीज, कैसे सेटिस्फाई हो रहा है? क्या बोला तरीका? एफ को जगह हटा करके आपको आर कर देना है. तो देखो इसमें देखो क्या ये वैलिड है. पहला देख रहे हैं, सपोज सेट ऑफ रियल नंबर्स उठाया, रियल नंबर्स मतलब सब आ जाएंगे आपके, रैशनल इरैशनल फ्रैक्शंस इंटीजर्स एवरीथिंग विल कम. तो सपोज हम कॉम्प्लिकेटेड चीज ही ले लेते हैं, कोई एक दो एलिमेंट ऐसा उठाते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हो. सो लेट्स से ए को हमने उठाया रूट टू
और बी को उठा लिया लेट से 3/4। कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल तो कोई भी कर लेंगे लेकिन कॉम्प्लिकेटेड सही करके देखते हैं। दो एलिमेंट उठा लिया सेट ऑफ रियल नंबर से और चेक करिए कि क्या इस दोनों को ऐड करने के बाद जो हमें मिलेगा वो भी रियल नंबर ही मिलेगा। लेट्स चेक। चलो रूट टू प्लस 3/4, अब जो कुछ भी आएगा इसका वैल्यू, तो जो कुछ भी आएगा आपको क्या नहीं लगता कि दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स? चाहे आप इरेशनल हो रैशनल हो डजंट मैटर, आप ऐड करोगे तो रियल लाइन पे ही होगा ना, क्योंकि रियल इज नथिंग बट सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, राइट? तो पहला पॉइंट वैलिड हुआ, परफेक्ट। एसोसिएटिव सेम चीज, आप वही एलिमेंट ले लीजिए। जैसे अगर मैं बोलूं रूट टू को आप प्लस कर देना है 3/4 और सपोज सी को मैंने ले लिया 7, तो यहाँ पे 7, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता ये बराबर ही होना चाहिए कि अगर हम इस दोनों को एक साथ लिखें रूट टू प्लस 3/4 और प्लस 7, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, तो एसोसिएटिव होगा ना एडिशन में। सो रियल नंबर्स में कोई भी एलिमेंट आप उठा लो, इट इज एसोसिएटिव इन एडिशन। वेरी गुड, परफेक्ट। थर्ड देखिए, कोई एक ऐसा एलिमेंट जीरो एग्जिस्ट कर रहा होगा रियल नंबर में, सच दैट अगर जीरो को उस एलिमेंट से आप ऐड करोगे तो आपको वही एलिमेंट मिलेगा। यहाँ पे यही चीज लिया, जैसे ए इज इक्वल टू इतना है, तो जीरो क्या रियल नंबर में एग्जिस्ट कर रहा है? यस। सो जीरो बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस जीरो को आप इससे ऐड करिए, सो जीरो प्लस रूट टू क्या मिलेगा? जीरो प्लस रूट टू इज रूट टू, ऑन दिस इज नथिंग बट इक्वल टू रूट टू प्लस जीरो, यस और नो? दैट मीन्स इट इज वैलिड, सही है, जीरो एग्जिस्ट कर रहा है उसमें, ताकि आप कोई भी एलिमेंट को आप कट करो योर नंबर इटसेल्फ, सो दिस इज ऑल्सो वैलिड। यहां तक हो गया। उसके बाद देखिए, इसी सेट ऑफ रियल नंबर्स में कोई एक ऐसा एलिमेंट बी एग्जिस्ट करेगा ताकि अगर हम ए प्लस बी को करें तो हमें जीरो मिलना चाहिए। मतलब इस पर्टिकुलर केस ऑफ एग्जाम्पल के लिए यहां फिलहाल अभी ये भूल जाओ, ए सपोज अगर आपने 7 लिया है तो आपको क्या बोल रहा है कि एक ऐसा नंबर बी एग्जिस्ट करेगा जब अगर हम ए और बी को ऐड करेंगे तो हमें जीरो मिल जाना चाहिए। सो लेट्स से, सो ए प्लस बी बराबर क्या आना चाहिए? देखो ए प्लस बी शुड बी इक्वल टू जीरो एंड दिस शुड बी इक्वल टू बी प्लस ए। लेट्स चेक, हम इसको पहले उठा लेते हैं। सो ए प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, सो दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू वॉट? माइनस ए। माइनस ए मीन्स माइनस 7, सो दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू माइनस 7। अब आपको चेक करना है कि ये तो पता है कि माइनस 7 को 7 से आप ऐड करोगे जीरो मिलेगा, बट वॉट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू नीड टू चेक वेदर दैट बी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स और नॉट। तो ये माइनस 7 क्या है? इट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड परफेक्ट, इट सैटिस्फाइज माई पॉइंट एंड हेंस वी कैन से दैट दिस पॉइंट इज ऑल्सो वैलिड। बुझली? चलिए चिकू, चिकू को रूम से बाहर अभी कर दिए हैं तो इसलिए कौ 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 कर रहा है, उसको लेके आते हैं। ए आजा, देखो ये शैतान से मिलवाता हूँ, ये रह नहीं पाता मेरे बिना, है ना? 2 महीने का हुआ है, इसका नाम है चीकू। इसको अभी रिकॉर्ड कर रहा था तो लेक्चर को बोला अंदर, तो बाहर कर दिया, तो वो गेट के सामने आके को 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 को, चलिए जाइए आप, माइक चिबाएगा। अब देखो ये फोर्थ पॉइंट वैलिड हो गया। फिफ्थ पॉइंट देखिए, अब ए प्लस बी प्लस इक्वल्स टू बी प्लस ए फॉर ऑल, एक कम्यूटेटिव है ऑफकोर्स,
और कुछ करने का जरूरत नहीं, मैं यहां तक करूंगा और मल्टीप्लीकेशन आप कर लीजिएगा। सपोज थ्री है और आपको ए को आपने थ्री लिया, बी को आपने सेवन लिया है। सो अगर मैं बोलूं कि ए प्लस थ्री, आप बता दो ए प्लस बी, तो आप बोलोगे ये बी प्लस ए है या नहीं, चेक कर लो। थ्री प्लस सेवन एंड दिस शुड बी इक्वल टू सेवन प्लस थ्री विच इज नथिंग बट टेन। ये भी टेन देगा आपको और ये भी टेन देगा। सो एनहेंस वी कैन से, लड़का And hence we can say that it is commutative in addition, right? तो ये वाला आपका भी commutative हो गया addition में, perfect. तो उसी तरह से what you can say is कि यहाँ के जितने भी आपके बाकी सारे हैं, सारे properties आप valid करा सकते हो real numbers के लिए, and hence you can say that the set of real numbers is a field. तो आप लिखोगे yes it is a field. So set of real numbers is a field. बुझली, परफेक्ट, फील्ड आ गया समझ में। अब इसी चीज में आपको बताया था क्या, ऑर्डर्ड फील्ड, ऑर्डर्ड फील्ड भी सिखाया, ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड फील्ड। क्या है ये ऑर्डर्ड फील्ड? अगर कोई फील्ड है, सेट अगर फील्ड है, उसके साथ साथ अगर कोई तीन चार प्रॉपर्टीज अगर वो सेटिस्फाई कर देता है, तब उसी फील्ड को हम लोग ऑर्डर्ड फील्ड बोलते हैं। सो दैट फील्ड इज कॉल्ड एज अ ऑर्डर्ड फील्ड। और वो क्या क्या है? पहला लिखिए, अ फील्ड एफ इज सेट टू बी ऑर्डर्ड फील्ड is said to be ordered field if it satisfies the following properties. If it satisfies the following properties. If it satisfies the following properties. Okay. पहला है law of trichotomy. Law of trichotomy. Law of trichotomy says कि अगर आप दो element A और B किसी field F में आप consider करते हो, then Only one of the following is true. Trichotomy नाम से पता चल रहा है, ट्राई ट्राइकोटोमी नाम से पता चला जैसे ट्राई। तो यहां पे ए बी बिलोंग्स टू एफ, सो देन ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब या तो क्या क्या चीज हो सकते हैं इसमें, पहला या तो ए बी के छोटा होगा, या तो ए बी के बड़ा होगा, और तीसरा या तो ए बी के बराबर होगा। तीनों में से कोई भी एक ये वैलिड होगा। तो जा रहे को इफ ए बी बिलोंग्स टू एफ देन ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ए इज लेस देन बी, बी इज ए इज ग्रेटर देन बी, और ए इक्वल्स टू बी। इस तीनों में से कोई एक ही वैलिड होगा, सो दैट इज लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। नंबर टू, ट्रांजिटिविटी। ये बोलता है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एफ,
इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए इज ग्रेटर देन बी है एंड बी इज ग्रेटर देन सी, तब ए विल बी ग्रेटर देन सी। अब बोले सर इसमें नया क्या है, ये तो चीज हम जानते हैं, अगर 4 3 से बड़ा है, 3 अगर 2 से बड़ा है तो हम बोल सकते हैं 4 2 से बड़ा है, वो सब हम लोग बचपन में एप्लीकेशन पार्ट से सीखे थे, बट हमें को ये बताया नहीं कि वो एक रूल है, एक लॉ है जिसको हम लोग ऑलरेडी हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं बट हमें नाम नहीं पता। सो दैट इज ट्रांजिटिविटी। नंबर 3, नंबर 3 कंपैटिबिलिटी ऑफ, कंपैटिबिलिटी ऑफ ऑर्डर रिलेशन, ऑर्डर रिलेशन, कंपैटिबिलिटी ऑफ ऑर्डर रिलेशन विथ कंपोजिशन एडिशन, विथ कंपोजिशन एडिशन। ये बोलता है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेम सेट एफ, ए इज ग्रेटर देन बी, तो यहां पे आप दोनों साइड अगर आप सी ऐड करोगे सो ए प्लस सी विल बी ग्रेटर देन बी प्लस सी। कंपैटिबिलिटी ऑफ ऑर्डर रिलेशन विथ कंपोजिशन एडिशन, ठीक है, compatibility of order relation with composition addition for a b c belongs to f, लेकिन इसमें है कि एक condition भी लगना चाहिए, जैसे मान लीजिए आपके पास हम a को 2 consider करते हैं, b को हम 3 consider करते हैं और c को suppose हम एक बार positive एक बार negative लेकर देखते हैं, तो अगर a is greater than b तो दिख रहा है मुझे 2 is greater than 1, तो अगर मैं C को दोनों साइड ऐड कर दूं, सो 2 प्लस 7 विल बी ग्रेटर देन 1 प्लस 7, सो 7 प्लस 2 इज 9 विच इज ग्रेटर देन 8। ये तो वैलिड हो गया व्हेन द केस C इज पॉजिटिव, C अगर नेगेटिव लिया जाए, A इक्वल्स टू 2 ले लो, B इज इक्वल टू 1 ले लो और C इज इक्वल टू लेट से माइनस 7 लेंगे, तो यहाँ पे दिख रहा है 2 इज ग्रेटर देन 1, 2 is greater than 1, दोनों साइड ऐड करिए, so 2 minus 7 is greater than 1 minus 7, so 2 minus 7 is minus 5, which is greater than minus 6, so 1 minus 2 minus 7 is minus 5, or 1 minus 7 is minus 6, जनरली लोगों को इसमें ही कन्फ्यूजन होता है कौन बड़ा है कौन छोटा, तो लेट्स से 0 है इधर, आप माइनस 5 होगा कहीं, माइनस 6 होगा कहीं, तो यहाँ पे कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो बोलोगे कि जैसे नेगेटिव साइड में जैसे हम इधर चले जाते हैं तो हमारा वैल्यू घटता चला जाता है, और राइट हैंड साइड में जैसे हम इधर चले जाते हैं तो वैल्यू हमारा बढ़ता चला जाता है, तो ऑफ कोर्स माइनस 5 इज ऑन द राइट ऑफ माइनस 6 एंड हेंस वी कैन से दैट दिस इज करेक्ट। सो दिस इज कंपैटिबिलिटी ऑफ ऑर्डर रिलेशन विद कंपोजिशन एडिशन। नंबर 4 लिखिए, नंबर 4 कंपैटिबिलिटी ऑफ ऑर्डर रिलेशन, compatibility of order relation with composition multiplication, with composition composition multiplication same this says कि for all a b c belongs to f and c is not equal to 0, c is not equal to 0, a greater than b agar hai, so this implies ac is greater than bc,
क्लियर है, सी इज नॉट ग्रेटर देन जीरो. सो लेट से आप ए इज इक्वल टू 3 ले लें, बी इज इक्वल टू 2 ले लो, एक बार हम सी इज इक्वल टू 7 ले लेते हैं, और ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 2, और सी इज इक्वल टू -7 ले लेते हैं. लेट्स चेक, इस केस में आपको दिख रहा है 3 इज ग्रेटर देन 2, सो 3 इज ग्रेटर देन 2, 7 को मल्टीप्लाई कर दो तो 7 इंटू 3 इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 7 इंटू 2, सो दिस इंप्लाइज 7 × 21 इज ग्रेटर देन 14, सो दिस इज वैलिड फॉर पॉजिटिव, नो डाउट. नेगेटिव के लिए, नेगेटिव के लिए 3 इज ग्रेटर देन 2, -7 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो -7 × 3 इज ग्रेटर देन -7 × 2, तो -21 इज ग्रेटर देन -14. इज इट करेक्ट? कौन बड़ा होना चाहिए? -14 बड़ा होना चाहिए इज कंपेयर्ड, सो दिस इज रॉन्ग. सो नेगेटिव के लिए नहीं बोल सकते, आपका ये चीज पलट जाएगा. सो टू बी मोर स्पेसिफिक, आई कैन से फॉर सी ग्रेटर देन 0, आई कैन राइट दिस एक्सप्रेशन. पॉजिटिव के लिए ये वाला एक्सप्रेशन वैलिड है, ठीक है? तो कभी कभी कुछ डाउट होता है ना, तो मन में कुछ दुविधा होता है, तो कुछ वैल्यूज लेकर के कर लेना चाहिए. सो ये वैलिड नहीं होता, इसलिए आई एम सैड. ओके, मोर ओवर इस केस में हमने देखा, चाहे आपका सी पॉजिटिव हो चाहे सी आपका नेगेटिव हो, सो दोनों ही केस में हियर 9 इज ग्रेटर देन 8 एंड हियर -5 इज ग्रेटर देन -6, इट्स कमिंग आउट टू बी इन बोथ द केसेस इट्स गेटिंग वैलिड, बट फॉर ओनली वन केस इट विल नॉट गेट वैलिड, दैट इज फॉर सी इज नॉट इक्वल टू 0. सी नॉट इक्वल टू 0, अगर मैं 0 कर दूं, सो ऑफ कोर्स हाउ 0 कैन बी ग्रेटर देन 0, नो, 0 शुड बी इक्वल टू 0. सो फॉर दिस आई कैन हैव द कंडीशन दैट सी इज नॉट इक्वल टू 0, एंड फॉर द सेकेंड वन विच इज कंपैटिबिलिटी ऑफ ऑर्डर रिलेशन विथ कॉम्पोजिशन मल्टीप्लीकेशन, हियर सी इज ग्रेटर देन 0. बट जनरली इन टेक्स्ट बुक दे यूज टू राइट सी नॉट इक्वल टू 0, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज फॉर सी नेगेटिव के लिए तो नहीं वैलिड है ना वो. जस्ट नाउ वी चेक, ठीक है, एनीवेज, ठीक. अब आपको कोई बोले कि आप चेक करिए कि रियल नंबर इज एन ऑर्डर्ड फील्ड और नॉट, सो व्हाट यू नीड टू चेक, रियल नंबर सिस्टम एज एन ऑर्डर्ड फील्ड, रियल नंबर सिस्टम एज एन ऑर्डर्ड फील्ड, ऑर्डर्ड फील्ड. आप क्या चेक करोगे? यू विल सिंपली चेक द फोर कंडीशंस, वेदर ऑल दोस फोर प्रॉपर्टीज आर बीइंग सेटिस्फाइड और नॉट, वट एवर वी सेड. आई एम नॉट राइटिंग अगेन. सो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी, ट्रांजिटिविटी, कंपैटिबिलिटी ऑर्डर रिलेशन विथ कॉम्पोजिशन एडिशन, कंपैटिबिलिटी ऑर्डर रिलेशन विथ कॉम्पोजिशन मल्टीप्लीकेशन, एंड यू विल कम टू अ सरप्राइज टू नो दैट रियल सेट ऑफ रियल नंबर्स फॉलोज दिस ऑल फोर प्रॉपर्टीज, एंड हेंस वी कैन सी दैट इट इज ऑर्डर्ड, ठीक है? तो सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसको अगर आप प्लस और मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन से साथ करते हो, तो पहले आप तो चेक करो कि वेदर दिस इज अ फील्ड और नॉट, और दूसरा कि अगर जब फील्ड हो जाए तो वो ऑर्डर्ड है या नहीं. फील्ड होने के टोटल 11 कंडीशंस हुआ करते थे. अगर कोई सेट विथ सम प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन सेटिस्फाइज ऑल दोज 11 प्रॉपर्टीज, सो वी कैन से दैट द सेट इज अ फील्ड अलॉन्ग विद दिस 11 प्रॉपर्टीज, इफ, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग, इफ अलॉन्ग विद दिस 11 प्रॉपर्टीज, इफ योर प्रॉपर्टीज आर रेस्ट 4, विच इज योर लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी, ट्रांजिटिविटी, कंपैटिबिलिटी ऑर्डर रिलेशन विद कंपोजिशन एडिशन, कंपैटिबिलिटी ऑर्डर रिलेशन विद कंपोजिशन मल्टीप्लीकेशन, इसके साथ साथ अगर चार है तो हम इसको बोलेंगे वो ऑर्डर्ड है, कंबाइन कर देंगे तो ऑर्डर्ड फील्ड है. तो एक फील्ड को हम लोग एक ऑर्डर्ड फील्ड तब बोलेंगे जब इसके साथ साथ ये चार प्रॉपर्टीज आपके सेटिस्फाइड होंगे. सो आप बोल सकते हो कि
ये जो सेट ऑफ रियल नंबर्स, दिस इज अ ऑर्डर्ड फील्ड. परफेक्ट. प्रूव करने के लिए आए, बस आपको प्रॉपर्टीज शो करा देना है. राइट. फिर अगर मैं बोलूं कि कोई सेट ऑफ रैशनल नंबर्स आप ले लो और ये प्लस और मल्टीप्लीकेशन के साथ में आप चेक करो कि वेदर दिस सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज अ फील्ड एंड ऑर्डर्ड फील्ड और नॉट. सो ऑफकोर्स आप चेक करिएगा, आप बोलोगे कि यस दिस इज अ फील्ड भी है और साथ ही साथ चार प्रॉपर्टीज भी फॉलो कर रहे हैं ऑर्डर्ड के, तो आप बोलोगे ऑर्डर्ड है. सो एंड हेंस वी कैन से दैट इट इज एन ऑर्डर्ड फील्ड. परफेक्ट. सो रियल नंबर सिस्टम एज एन ऑर्डर्ड फील्ड. कूल. आपका होमवर्क है ये आप चेक करोगे. योर टास्क इज और अ कॉमेंट क्वेश्चन इज यू नीड टू पुट इन द कॉमेंट बॉक्स दैट चेक Quick Hill security will expire in 3 days. So, check set of integers with plus and multiplication is field or ordered field. पहले तो check करिए कि field है या नहीं है. Field नहीं है तो फिर ordered होने का मतलब ही नहीं. Field है या नहीं है, check it. इफ फील्ड है तो ऑर्डर्ड फील्ड है या नहीं है. योर कॉमेंट क्वेश्चन इज दिस. प्लीज गेट द आंसर इन द कॉमेंट बॉक्स. परफेक्ट. चलिए एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल करें, रिकैप प्रीवियस क्लास का, कि आपको सुप्रीमम इन्फीमम बाउंडेडनेस वगैरह सब सिखाया था. सेम क्वेश्चन ये लेगा. लेट्स से आपके पास है कोई सीक्वेंस -1 के पावर में n बाय n such that n belongs to set of natural numbers. आप बता सकते हैं क्या इसका कितने lower bounds हैं, इसके lower bounds क्या होंगे, इसके upper bounds क्या होंगे, इसका supremum क्या होगा, इसका infimum क्या होगा, whether it is bounded above, whether it is bounded below or whether it is bounded both. क्या बोलोगे, check करते हैं हम लोग. check करने का सबसे आसान simple सटीक तरीका आपको बताए थे. I had just told कि simply try to make a line directed line diagram. So, इस लाइन डायग्राम को वी कॉल दिस एज अ डायरेक्टेड लाइन डायग्राम. आई विल टेल यू सम टाइम लेटर ऑल्सो. तो सबसे पहले आप यहां पे एक ओरिजिन मतलब ओ दिखा दीजिए, जीरो. अब क्या करिए, इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिख डालिए. मतलब एन का पावर कहां से स्टार्ट होगा, वन. जीरो से नहीं, हमेशा वन से स्टार्ट होता है. सो -1 / 1 कॉमा नेक्स्ट क्या होगा, -1 के पावर में 2 मतलब वन. सो 1 / 2 -1 / 3 फिर 1 / 4 -1 / 5 फिर 1 / 6 एंड सो ऑन. यहाँ आपको क्या दिख रहा है कि जितने भी इवन वाले हैं वो सब पॉजिटिव चले गए, जितने भी ऑड वाले हैं वो सब के सब नेगेटिव हो गए. तो पहला एलिमेंट आपका क्या है, लेट्स से इट इज -1. वेदर द वीडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड. Yes, it's being recorded. I have a problem in holding the mic. देखिए ये -1 है, हाफ है, -1/3 एंड सो ऑन है. तो -1 आपका क्या होगा, -1 विल बी लेट्स से समवेयर हियर. सो दिस इज -1. हाफ किधर होना चाहिए, हाफ बोले कि 0.5. सो लेट्स से इट इज 0.5, इट इज से समवेयर हियर. सो दिस इज हाफ. -1/3 means what? -0.333 and which is nothing but somewhere here. यहाँ पे होगा कहीं -1/3 होगा. फिर 1/4 is 0.25. So of course 0.5 से पहले होगा. So let's say it is 1/4 and so on. तो आपको क्या दिख रहा है, फिर आप -1.5 जाओगे तो आप इधर कहीं ना, मतलब ultimately आपको दिखेगा कि सारे के सारे जो points हैं वो इसके और इसके बीच में कहीं ना कहीं बीच में ही होंगे, बाहर नहीं होंगे. ना तो हाफ के इधर होंगे और ना तो -1 के इधर होंगे. बात आ रही है समझ में. तो आपको एक जोन मिल गया है, यू हैव गॉट अ कंटेनमेंट जोन, जहां पे आपको कोरोना सारे पेशेंट्स को उसी जोन में रहना है. सो आप पता कर सकते हो कि आपको जो कुछ भी है वो इसी इसी के बीच में. अब इस सेट में आपका -1 भी है. So I am considering this
सो आई एम कंसिडरिंग दिस, और इसमें आपका हाफ भी है, सो आई एम कंसिडरिंग दिस, राइट। और साथ ही साथ ये भी दिख रहा होगा कि n जो है वो कभी जीरो नहीं हो सकता, n कभी भी जीरो नहीं हो सकता यहां पे, मतलब इसमें, क्योंकि n तो आपका वन से स्टार्ट है, तो सारे एलिमेंट्स तो ये हैं, अप्रोच किसको कर रहा है, इधर जा रहा है, तो ये रहा आपका जोन, बात आई समझ में, ये आपका इंटरवल रेडी है। सो यू हैव गॉट दिस इंटरवल विथ यू, नाउ इफ आई आस्क यू, इसके आप लोअर बाउंड्स बता दीजिए, व्हाट आर द लोअर बाउंड्स, फिर मैं पूछूं व्हाट आर द अपर बाउंड्स, क्योंकि आपको बताया था ये लोअर बाउंड्स और अपर बाउंड्स एक से अधिक होते हैं, गुड। लोअर बाउंड अगर है तो उसमें से ग्रेटेस्ट ऑफ द लोअर बाउंड क्या है, अपर बाउंड्स हैं बहुत सारे तो उसमें से लीस्ट ऑफ द अपर बाउंड क्या है, ये चेक करना है, और बाउंडेड अबव है, बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड बोथ है, वो चेक करना है। सो लोअर बाउंड्स अगर मैं बोलूं, बोलोगे सर लोअर मतलब पीछे के साइड में बाउंड्स, तो ये सारे के सारे इधर से इधर सारे के सारे दीज ऑल आर लोअर बाउंड्स, कहां से स्टार्ट हो रहा है बाउंड्री, इधर से, सो दिस इज द लेफ्ट बाउंड्री, दिस इज द राइट बाउंड्री, लोअर बाउंड सारे के सारे इधर, मतलब माइनस इंफिनिटी से लेकर के वन, वन इंक्लूड होगा या नहीं होगा, होगा क्योंकि वन इज ऑल्सो बाउंड्री, सॉरी माइनस इंफिनिटी से माइनस वन तक इधर गया, राइट। अपर बाउंड्स में अगर हम बोलें तो अपर बाउंड्स बोलेंगे कि यहां से हाफ को लेकर के आप इंफिनिटी तक चलते चले जाइए, प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, साइन नहीं लिखा है मतलब पॉजिटिव है। अब बताइए ग्रेटेस्ट ऑफ द लोअर बाउंड्स मतलब इतने से सबसे बड़ा कौन है, ऑफ कोर्स आपको बोलोगे कि जो सबसे राइट होता है वो बड़ा होता है, सो माइनस वन इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द लोअर बाउंड विच इज नथिंग बट हाफ, और इस ग्रेटेस्ट ऑफ द लोअर बाउंड को क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया इनफीमम, इनफीमम ग्रेटेस्ट ऑफ द लोअर बाउंड ये बोलते हैं ना, इनफीमम ग्रेटेस्ट ऑफ द लोअर बाउंड, हाँ, और फिर लीस्ट ऑफ द अपर बाउंड इसको बोलते हैं सुप्रीमम, सुप्रीमम। सो अपर बाउंड का सबसे लीस्ट कौन है, सो अपर बाउंड का सबसे सबसे छोटा आपको हाफ दिख रहा है, सो दिस इज हाफ, और इस सेट में इस इंटरवल में ये सबसे बड़ा है, ऑफ कोर्स इसीलिए सुप्रीमम बोला गया, और इस सेट में ये सबसे छोटा है इसीलिए इसको इनफीमम बोला गया, इतना पता है, दोनों साउड से बाउंड्री है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज बाउंडेड, सो बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड अबव बोथ साइड है, एंड दिस ऑफ कोर्स दिस बिलोंग्स टू द सेट एस, ये सेट, एंड दिस एलिमेंट ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेट एस, आपको भी सिखाया था कि सुप्रीमम और इनफीमम एग्जिस्ट कर सकता है नहीं भी कर सकता, सॉरी एग्जिस्ट कर सकता है नहीं भी कर सकता, सॉरी जो भी है जीएलबी और यू एल बी यू बी, मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि ये आपका सेट में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, सो यहाँ पे आपका सेट में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, एक समरी चलिए कर दिया। एक और एग्जाम्पल आपके लिए है, आपके लिए कॉमेंट क्वेश्चन, प्लीज कॉमेंट इट राइट नाउ, मैं चाहता हूँ कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। आपके पास अगर कोई सेट है इस तरह का, लेट्स से माइनस टू माइनस थ्री बाई टू एंड माइनस फोर बाई थ्री, माइनस फोर बाई थ्री एंड सो ऑन करते करते माइनस ऑफ एन प्लस वन बाई एन और एंड सो ऑन, इस तरह से आपको फाइंड करना है, इसका इनफीमम बताना है, सुप्रीमम बताना है, और ये बताना है कि वेदर इट इज बाउंडेड और नॉट, और अगर वन साइड बाउंडेड है तो आप बता सकते हो कि बाउंडेड अबव है, बाउंडेड बिलो है, या फिर बाउंडेड बोथ है, और वेदर दिस सुप्रीमम इनफीमम बिलोंग्स टू द सेट और नॉट, ठीक है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज, हम आपको एक सेट दे रहे हैं, लेट से थ्री प्लस माइनस वन के पावर में एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, सच दैट एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सच दैट एन बिलोंग्स टू सम सेट ऑफ
नेचुरल नंबर्स। कॉम्प्लिकेट कर दिया थोड़ा प्रॉब्लम, बट कोई समस्या नहीं, मैंने आपको स्ट्रांग बना दिया है, आप बना सकते हो इसका सारा चीज, कैलकुलेट एवरीथिंग, इसके भी निकालिए और इसके लिए भी निकालिए। इस वाले सेट के लिए फाइंड सुप्रीमम इनफीमम एंड बाउंडेड और नॉट, और सेकेंड वाले के लिए भी ये चीज निकालिए। इतना आ गया समझ में? वेरी गुड, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रीडिंग लिखिए आप, ऑर्डर कंप्लीटनेस, ऑर्डर कंप्लीटनेस। ऑर्डर कंप्लीटनेस क्या होता है ये, पहले डेफिनेशन लिख लो, चिपका लो, उसके बाद फिर एक्सप्लेन करते हैं। लेट अस कंसीडर अ सेट ए, लेट अस कंसीडर अ सेट ए, इफ एनी सबसेट बी of A is bounded above, is bounded above, then it should have supremum in A, supremum in A, then set A is order complete, then set A is order complete। ये एक तरह का डिफिनेशन जो मैंने सुप्रीमम के टर्म्स में डिफाइन किया है, इसको आप इनफीमम के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे हम बोल सकते हैं इफ एनी सबसेट बी ऑफ ए इज बाउंडेड बिलो then it should have infimum in A, then set A is order complete, set A is order complete। इसको अगर स्टेटमेंट्स समझ में नहीं आया, सो हम लोग क्या करते हैं ना, सो लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। आपको बोल रहा है इफ एनी सबसेट बी ऑफ ए इज बाउंडेड अबव, कोई एक सेट है उसका एक सबसेट उठा लो, और वो सबसेट अगर बाउंडेड अबव है तो उसका जो सुप्रीमम होगा ए में, अगर सुप्रीमम बी का जो इंटरवल है उसका सुप्रीमम अगर ए के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तब हम उस सेट ए को ऑर्डर कंप्लीट बोलेंगे, और अगर बाउंडेड बिलो है और उसका इनफीमम अगर सेट के अंदर है, तब हम उसको सेट ए को ऑर्डर कंप्लीट बोलेंगे। सर कहना क्या चाह रहे हो? हम कहना ये चाह रहे कि अगर आपके पास कोई एक सेट है, बेटर है नंबर लाइन पे ही आप समझिए, और ये रहा सेट ऑफ एग्जाम्पल के तौर पे, सपोज कोई भी आप मान लीजिए सेट ए है, यहां से यहां तक इसको हम सेट ए बोल रहे हैं, क्या बोले, यहां से यहां तक, सो दिस एंटायर थिंग, और इसको थोड़ा यहां पे आप लिख सकते हो ए कर दो बी कर दो, ओपन इंटरवल का ही सेट सपोज हम कंसिडर कर रहे हैं, सो लेट सेट ए इज ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है
कि ए को छोड़ करके लीविंग ए, लीविंग ए एंड लीविंग बी, ए और बी को छोड़ करके, ए और बी को छोड़ करके सारे के सारे पॉइंट्स लाल से बना देते हैं, सारे के सारे पॉइंट्स। तो ये एक सेट हमने कंसिडर किया विच इज सेट नंबर ए। अब इसका एक सबसेट उठा लो, सो लेट्स से एक सबसेट हम उठाते हैं, कोई भी उठा लो, सपोज कोई एक बी सेट है और इसका हम सी और डी उठाते हैं, ओपन इंटरवल ही रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक, ओपन इंटरवल। तो कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि हम यहाँ पे और इधर सपोज एक गैप कर देते हैं, ओपन इंटरवल, ये रहा सी और ये रहा डी। तो आपको नहीं लगता कि बी जो सेट है, बी सेट वो ये वाला पोर्शन है, देखो ये वाला, हम इसको दोनों कलर रखे हैं, रेड भी रहे और येलो भी रहे, दिख रहा है डायग्राम से, कलर से देखने दो मेरे को, यस, और आपको सब साफ साफ भी दिखना चाहिए, कलर भी, चलो सही है। तो आपके पास सेट ए है जो कि रेड कलर से हम पूरा ऐसे बनाए हैं, और बी जो है वो सी और डी है। तो यहां से आपको नहीं दिख रहा कि दिस बी इज ए सबसेट ऑफ सेट ए, क्लियर, एंड इनफैक्ट प्रॉपर सबसेट है, बट लेट्स से सबसेट ऑफ ए, ठीक, सबसेट से मतलब है। अब इस सेट सी डी, इसका अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेट का आप सुप्रीमम बताइए और इन्फिमम बताइए, सुप्रीमम बताइए और इन्फिमम बताइए, तो बोलोगे सर ये जो सेट है ना वो तो बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड अबव भी है, कोई दिक्कत ही नहीं, ये वाला सेट बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड अबव भी है। बोले क्यों सर, यहां तो ओपन इंटरवल है, तो बाउंडेड कैसे हुआ? अरे ओपन इंटरवल से क्या ही मतलब है, बाउंडेड मतलब रेस्ट्रिक्शंस है कि इधर से इधर नहीं जा सकता, डी से इधर नहीं जा सकता, तो बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड अबव भी है, फाइन। तो क्या बोला डेफिनेशन, अगर बाउंडेड बिलो है तो उसका इन्फिमम इस सेट के अंदर होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर यही तो है इसका इन्फिमम, और ये इन्फिमम और कुछ नहीं सी है, और सी सेट ए के अंदर है, करेक्ट। अगर बाउंडेड अबव है तब इसका सुप्रीमम जो है डी, और वो भी इस सेट के अंदर में। ये तो बात हो गई, जब आपका कोई भी सेट बाउंडेड बिलो बाउंडेड अबव हो गया, दोनों ही हो गया, तब सुप्रीमम इन्फिमम दोनों ही उस सेट के, बड़े वाले सेट के अंदर होना चाहिए। और हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो सेट ए है, दिस सेट ए इज ऑर्डर कंप्लीट, ये वाला सेट क्या है, ऑर्डर कंप्लीट, बहुत सिंपल सी बात है। तो यहां पे मैंने आपको दिखा दिया कि बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड अबव भी है, दोनों ही है, और दोनों के सुप्रीमम इन्फिमम आपके बड़े वाले सेट के अंदर में है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तब हम इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर कंप्लीट है। लेकिन अगर कहीं पे बाउंडेड बिलो है और वहां का इन्फिमम उस बड़े वाले सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हम उसको ऑर्डर कंप्लीट नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते उसको ऑर्डर कंप्लीट, ठीक है। तो ऑर्डर कंप्लीटनेस आपने सीख लिया। हेडिंग लिखिए ऑर्डर कंप्लीटनेस ऑफ अ रियल नंबर, ऑर्डर कंप्लीटनेस ऑफ ए रियल नंबर। ऑर्डर कंप्लीट एक प्रॉपर्टी हो गई कि हाँ ये वाला किसी कोई भी सेट हो सकता है ऑर्डर कंप्लीट। रियल नंबर भी चेक करते हैं कि वेदर सेट ऑफ रियल नंबर्स इज ऑर्डर कंप्लीट और नॉट। तो वही चीज है, आप बोल सकते हो कि अगर रियल सेट ऑफ रियल नंबर्स, आप जैसे रियल लाइन, वो तो रियल का एग्जांपल था, रियल लाइन में आप कोई भी उठा लो और कोई भी सेट और सबसेट आप उठा लो, इसका अगर सेट अगर जो है वो बाउंडेड बिलो है तो उसका सुप्रीमम उस रियल नंबर्स में ही होगा, होगा ना, और
मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स उसी में होगा, उस वाले सेट में। तो आपको ये चेक करना है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स इज ऑर्डर कंप्लीट और नॉट। तो यहाँ तो माइनस इन्फिनिटी और यहाँ तो इन्फिनिटी होता है ना, तो सब कुछ पूरा तो दुनिया समाया हुआ है इसी चीज़ में। ओके, यहाँ पे कोई भी इस सेट का कोई भी एक सबसेट उठा लीजिए। सपोज आपको एक सबसेट उठा लेते हो ए और बी, लेट से आप उठा लिए। तो अगर आपने उठाया है तो डेफिनेटली अगर ये बाउंडेड बिलो बाउंडेड अबव, अगर बाउंडेड बिलो है तो इसका जो इन्फिमम होगा उसे रियल नंबर में ही होगा, रियल नंबर से भाग करके कॉम्प्लेक्स में तो नहीं जा सकता, मतलब उसका इन्फिमम रियल नंबर उस वाले सेट में है। अगर सुप्रीमम है तो सुप्रीमम भी उसी रियल नंबर में है, मतलब इट्स एन ऑर्डर कंप्लीट। क्लियर हो रहा है? चलिए, तो हम बोल सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स इज ऑर्डर कंप्लीट। क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन लिखिए, प्रूव दैट सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, क्वेश्चन इज प्रूव दैट, प्रूव दैट सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज नॉट ऑर्डर कंप्लीट, नॉट ऑर्डर कंप्लीट। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल रैशनल नंबर्स का सेट इज नॉट ऑर्डर कंप्लीट। प्रूफ तो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा इलस्ट्रेशन। जैसे सेट ऑफ रियल नंबर्स ये आपने दिखा दिया, और आपके पास एक सेट आप ऐसा कंसिडर कर रहे हो, एक ऐसा सेट आप कंसिडर कर रहे हो जहाँ पे आपका लेट से वन और इधर लेट से रूट फाइव है, इस तरह का आपने सपोज कोई कंसिडर किया है, और सेट ऑफ रैशनल नंबर्स आप बोल रहे हो। तो आप बोल रहे हो कि सर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स तो सारे के सारे, तो आप कैसे इसमें दिखाओगे, हाउ विल यू शो रैशनल नंबर्स स्पेसिफिकली? क्या ये पॉसिबल है कि हम इसमें रैशनल नंबर्स शो कर पाए, मतलब सारे के सारे पी वाई क्यू को आप शो कर पाओ? इज इट पॉसिबल टू शो ऑल द पी वाई क्यू फॉर्म आउट हियर? हाउ विल यू शो दैट? अगर आप पूरा घस देते हो, इफ यू जस्ट स्क्रिबल और या फिर आप पूरा डैश दे देते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप तो इरेशनल, मतलब रूट फाइव, रूट थ्री, रूट टू, ये सब को भी आप कंसिडर कर रहे हो। सो दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि हम स्पेसिफिकली रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो कर दें या फिर इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो कर दें। बट आपको समझाने के लिए, हम सिर्फ समझाने के लिए, कोट एंड कोट, आपको सिर्फ समझाने के लिए इस तरह का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। सपोज मान लीजिए कुछ सेट ऑफ आपने कंसिडर किया है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सो लेट्स से हमारे पास Q एक ऐसा सेट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर्स हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं, मतलब Q इज सच अ सेट वेयर P बाई क्यू सच दैट पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, करेक्ट? तो ये एक ऐसा सेट है, आपको चेक करना है कि ये ऑर्डर कंप्लीट नहीं है या है। तो इसका एक सबसेट आप उठा लीजिए, इसका आप एक सबसेट आप उठा लीजिए। तो इसका यदि आप सबसेट आप उठाते हो, तो डेफिनेटली कोई ना कोई, अगर उसका सुप्रीमम इरेशनल आ गया या इन्फीमम इरेशनल आ गया, तो सुप्रीमम हो या इन्फीमम हो, वो भी तो क्या बोलते हैं ना, इरेशनल सपोज आ गया, तो वो सुप्रीमम इन्फीमम क्या इस सेट के अंदर होंगे? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सुप्रीमम आपका इरेशनल आया है, आपने वैसा ही कोई सेट अगर लिया है तो उसका सबसेट लिया है तो आ ही सकता है, तो वो तो रैशनल का पार्ट नहीं है, उसका सेट का पार्ट नहीं है, तो जब है ही नहीं तो फिर काहे का ऑर्डर कंप्लीट। हिंट समझ में? चलो प्रूफ करते हैं। सो लेट से इसका हम प्रूफ करेंगे, फॉर्मल तरीके से क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे? आप पहले डिफाइन करोगे सेट एस को, सपोज एक्स बिलोंग्स टू सम रियल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर्स, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन टू। क्या बोल रहा?
एक ऐसा सेट ऑफ रैशनल नंबर्स आप उठाइए जो कि पॉजिटिव हो लेकिन उसका स्क्वायर जो है वो 2 से कम हो। तो 2 से कम के नंबर का मतलब रूट 2 से सारे के सारे लेस जितने भी आपके पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं उनका आपने एक सेट उठा लिया। अब यहाँ पे क्या है, 1 देखिए, 1 जो है ये तो रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहा, कोई दिक्कत ही नहीं है। सो 1 इज अ पार्ट, मतलब इसमें कोई भी एक एलिमेंट हमने चूज किया कि रैशनल नंबर 1 है, और ये जो 1 है दिस इज ग्रेटर देन 0, नो डाउट। साथ ही साथ 1 स्क्वायर जो है दैट इज लेस देन 2, कोई समस्या नहीं, वैलिड है। साथ ही साथ ऑल्सो हमें ये भी पता है x जो है वो रूट 2 से छोटा है। देखो x जो है वो रूट 2 से छोटा है क्योंकि ग्रेटर देन 0, इसलिए इसे पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि आपको रेस्ट्रिक्शन कर ही दिया यहाँ पे। और ये बोला फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सम सेट s, तो ऑफकोर्स होना ही है, कोई भी आप एलिमेंट आप उठा लो वो रूट 2 से तो छोटा ही होना है और उस सेट का ही पार्ट होना है। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आपका जो सेट है, इसका जो सेट है वो बाउंडेड है या नहीं है। सो दिस इंप्लाइज s इज बाउंडेड बिलो और अबव, लेस देन बोल दिया मतलब बाउंडेड अबव है, सो इट इज बाउंडेड अबव। और इससे हमको ये भी प्रूव हो गया कि ये वाला जो सेट है ना वो एक नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ आपके सेट होंगे एलिमेंट्स। तो नॉन एम्प्टी सेट्स का हमको कोई कैसे करेंगे, तो इसलिए आपको दिखाना पड़ेगा दैट्स अ वैलिड सेट। सो इससे हमें ये पता चला कि एस इज अ नॉन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट नहीं है, इज अ नॉन एम्प्टी सेट। कूल, सो दिस इज अ नॉन एम्प्टी सेट, दिस इज बाउंडेड अबव। अब क्योंकि ये बाउंडेड अबव है तो इसका क्या निकलेगा, बाउंडेड अबव का क्या निकलता है, सुप्रीमम निकलता है, इन्फिमम निकलता है, सुप्रीमम निकलता है। तो हमें नहीं पता क्या है उसका सुप्रीमम, मान लेते हैं कुछ। सो लेट सम के बी द लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम, और सुप्रीमम ऑफ एस, उस सेट एस का सपोज के कोई एक सुप्रीमम है, और हम ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो सुप्रीमम है ये इस सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के अंदर बिलोंग कर रहा है। मतलब हमने एक ऐसा सुप्रीमम कंसिडर किया जो कि रैशनल नंबर ही है, माना है, अज्यूम किया है, उसको हम दिखाएंगे कॉन्ट्रडिक्शन, वैसा नहीं होगा, फेल हो जाएगा, इसीलिए वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं है। ये है पूरा सीन। सो के इज डज नॉट बिलोंग्स टू दिस फॉर टू नंबर्स, फॉर टू नंबर्स। तो आपके पास दो नंबर्स हैं, एक तो k स्क्वायर, k का स्क्वायर या फिर 2। तो k स्क्वायर के लिए और 2 के लिए इस दोनों में से कोई ना कोई एक सेटिस्फाइड होगा, ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। नंबर 1, पहला क्या बोला, या तो k स्क्वायर इज लेस देन 2, दूसरा k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2, और तीसरा k स्क्वायर इक्वल्स टू 2। ठीक है, दो नंबर्स आपने चूज किए, ये जो सुप्रीमम है इसका दो नंबर है, एक 2 है और एक ये है। तो यहां पे इससे आपको दिख रहा है कि इसका क्या है ना, बाउंडेड अबव, मतलब देखने से सुओ मोटो लग रहा है कि आपका ये इसका लीस्ट अपर बाउंड 2 है। हम मान के चल रहे हैं उसका सुप्रीमम कुछ और है और वो रैशनल है, तो उसको हम सपोज मान ले रहे हैं कि ये, और दो नंबर आपके मिल गए और रूट के टर्म्स में था इसीलिए स्क्वायर करना पड़ा। तो के स्क्वायर और 2 के बीच में कंपैरिजन करेंगे, 3 केसेस बनेंगे इसमें से, जिसमें से या तो के स्क्वायर 2 से छोटा हो सकता है, या तो के स्क्वायर 2 से बड़ा हो सकता है, या फिर के स्क्वायर 2 के बराबर हो सकता है। तो सारे के सारे केसेस में हम लोग देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला केस लिखिए, नंबर 1, इफ के स्क्वायर इज लेस देन 2, अगर के स्क्वायर इज लेस देन 2 है तब हम एक y अज्यूम कर रहे हैं 4+3k / 3+2k।
बोलोगे सर ये कहां से लेकर के आ गए, ये हमारा है से, ये हमारा से है, हमने मान लिया है क्योंकि कैलकुलेशन में ऑलरेडी सॉल्व है ना, तो ये आपको समझाने के लिए आपके एस ए मलिक बुक में सेम एग्जांपल दिया हुआ है, तो समझाने के लिए मैं दिखा दे रहा हूँ कि 4+3k और 3+2k ये वाला लेकर के चला, आप कुछ भी और लेकर के चल सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन चाहिए इसके और इसके टर्म्स में, तो हमने ये लिया, सूटेबल है ये। और ये कैसे डिसाइड करोगे, ये एक्चुअली आपको प्रैक्टिस से आएगा कि क्या हमें एक्सप्रेशन लेना चाहिए ताकि हमें सही सही हम अच्छे से प्रूव कर सकें। तो k स्क्वायर इज लेस देन 2, यहाँ पे आप क्या लीजिए k माइनस वाई कर दो इधर, तो k माइनस वाई करोगे तो k माइनस ऑफ 4+3k डिवाइडेड बाय 3+2k, और ये पूरा एक्सप्रेशन आपका आएगा 2 टाइम्स k स्क्वायर माइनस 2 बाय 3+2k और इज लेस देन 0। तो k आपने क्या एज्यूम किया था, k आपने एज्यूम किया था कि वो क्या है ना सेट ऑफ रैशनल नंबर से ही, तो रैशनल को पी बाई क्यू के फॉर्म में ही कन्वर्ट किया, और साथ ही साथ आपको k स्क्वायर माइनस 2 का कोई एक्सप्रेशन चाहिए था, डिनोमिनेटर में कुछ भी हो सकता है बट आपको ये एक्सप्रेशन चाहिए था, इसीलिए सो मोटो ये चीज़ की, आप कुछ और लिखे भी कर सकते हैं। अब देखिए ये आपके पास आ चुका है कंडीशन, तो अगर ये है कंडीशन तो आप बोल सकते हो कि k माइनस वाई, और ऑफकोर्स दिस इज क्या बोला k स्क्वायर माइनस 2 इज लेस देन 0 होगा, तो ये अगर 0 है तो इसका मतलब k माइनस वाई इज 0 लेस देन 0, राइट। तो यहां से आपको क्या पता चला, y इज ग्रेटर देन k, y जो पता चला है विच इज ग्रेटर देन k, सो इसको आप बोलिएगा नंबर 1, इससे ये एक्सप्रेशन पता चल गया दैट इज y इज ग्रेटर देन k। अब क्या करना है, अब हम लेते हैं y स्क्वायर माइनस 2 ले लो, y स्क्वायर माइनस 2, सो 4+3k बाय 3+2k, इसका आप स्क्वायर करिए और माइनस 2 करिए, आई हैव सॉल्वड इट, तो आपके पास एक्सप्रेशन आएंगे कुछ इस तरह से, k स्क्वायर माइनस 2 बाय 3+2k का होल स्क्वायर विच इज लेस देन 0। तो यहाँ से आपको ये दिख जा रहा है y स्क्वायर माइनस 2 इज लेस देन 0, तो अगर ऐसी बात है तो y स्क्वायर इज लेस देन 2, नंबर 2, सो y बिलोंग्स टू s, y स्क्वायर इज लेस देन 2, सो ऑफ कोर्स y बिलोंग्स टू सेट s। तो यहां पे आपको दिख जा रहा है कि y जो है वो सेट s से बिलोंग कर रहा है, सो y बिलोंग्स टू सेट s, ओके, एंड फ्रॉम 1 फर्स्ट इक्वेशन से ये जो y है इसका वैल्यू ग्रेटर देन k है। तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, अगर y एक मिल गया जो कि k से बड़ा है और आप मान के चल रहे थे कि ये अपर बाउंड है, ये कैसे हो गया, यहां पे y तो सेट के अंदर है ठीक है, लेकिन इस वाले इक्वेशन से आपको दिख जा रहा है कि y का जो एलिमेंट है, y का जो वैल्यू है वो k से बड़ा हो गया, लेकिन आप मान के चल रहे थे कि k आपका सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब k इज नॉट एन अपर बाउंड, क्या प्रूव हो गया, k इज नॉट एन अपर बाउंड, सो दिस इंप्लाइज k इज नॉट एन अपर बाउंड, गोल अपर बाउंड है ही नहीं, अगर अपर बाउंड नहीं है तो इसका मतलब ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हुआ मतलब हमारा अजम्पशन गलत हो गया, तो आप क्या बोल सकते हैं कि नो रैशनल नंबर के एग्जिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इससे ये आपको पता चला कि हमने मान के चल रहे थे कि के आपका कोई रैशनल है और वो अपर बाउंड उसका है, लेकिन निकल ही नहीं रहा, के रैशनल हो ही नहीं सकता, और अगर के रैशनल नहीं है और के अगर अपर बाउंड था तो उसको तो सेट एस में बिलोंग करना था, तो लेकिन सेट एस में बिलोंग कर रहा है लेकिन रैशनल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका ऑर्डर कंप्लीट होना था वो तो हुआ नहीं, तो समझ में आ गया।
सो देर इज नो सच रैशनल नंबर विच इट एग्जिस्ट. सेकेंड केस देखिए, नंबर टू. सेकेंड केस, जब आपने कंसिडर किया था के स्क्वायर की वैल्यू जीरो. सेकेंड केस और थर्ड केस जो भी है, सेकेंड में हम ले रहे हैं कि इफ के स्क्वायर इज इक्वल टू टू, तो इसका क्या मतलब है? k इज इक्वल टू रूट टू. k इज इक्वल टू रूट टू मतलब इट इज इरेशनल. विच इज इरेशनल? विच इज इरेशनल? विच इज इरेशनल? बस फिर से कॉन्ट्राडिक्शन हो गया. फिर से कॉन्ट्राडिक्शन हुआ ना. क्यों? क्योंकि आप तो मान के ही चल रहे थे कि k को रैशनल ही है, तो यहां पे तो इरेशनल दिख गया, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है. थर्ड केस में देखो, अगर k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2, इसको लेकर के अगर हम लोग बढ़ते हैं आगे, तो यहां से आप क्या करिए, k माइनस वाई हमने देखा था, k माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0, तो यहां से y इज लेस देन k. ऑल्सो y स्क्वायर माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा. सो जहां से y स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2, तो दोनों को कंबाइन करिए कि एज y स्क्वायर जो है ये 2 से बड़ा है और y जो है वो k से छोटा है. इसका ये मतलब क्या हुआ? y स्क्वायर जो है वो 2 से बड़ा है और y जो है वो k से छोटा है. तो अगर ऐसी बात है तो आप बोल सकते हो कि y is अपर बाउंड ऑफ s, अपर बाउंड ऑफ s ऑल्सो ऑल्सो y is lesser than k. Y is lesser than k. तो इसका ये मतलब हुआ कि k जो है, so k is not lower upper bound. So k is not LUB. हो ही नहीं सकता, k जो है वो lower upper bound हो ही नहीं सकता. तो इसका ये मतलब है contradiction. कॉन्ट्राडिक्शन हर जगह ही आपको कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया. मतलब उसका जो बोलो, उसका जो ये सुप्रीमम था वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा जो आप अज्यूम मान करके चल रहे थे. तो एंड हेंस क्यू इज, हेंस एस इज नॉट ऑर्डर कंप्लीट, या क्यू इज सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, क्यू इज नॉट ऑर्डर कंप्लीट. तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे प्रूव करना होता है? यू नीड टू प्रूव यूजिंग व्हाट? यू नीड टू प्रूव यूजिंग कॉन्ट्रेडिक्शन. कॉन्ट्रेडिक्शन की मदद से आप उसको प्रूव करो. नेक्स्ट हमें प्रॉपर्टी देखनी है, विच इज आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स. ठीक, लिखिए आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स. ओके, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, इसका एक थ्योरम है. आई एम जस्ट राइटिंग द थ्योरम एंड द प्रूफ. थ्योरम वो बोलता है, बहुत सिंपल है, वी यूज टू अप्लाई इट इन आवर डेली चाइल्डहुड. इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव रियल नंबर्स देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर इन such that n times a is equal to b. बहुत सिंपल सा चीज है कि अगर आपके पास कोई दो पॉजिटिव रियल नंबर्स है
और अगर किसी एक नंबर को एक पॉजिटिव नंबर से किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो नंबर बड़ा हो जाता है एज कम्पेयर टू दूसरा नंबर। क्या है इसमें सर? लेकिन ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है जिसने बनाया रियल नंबर्स का आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। अब इसका फटाफट थ्योरम लिख लीजिए। थ्योरम इसका प्रूफ आ सकता है। सो आई एम राइटिंग, लेट अस अज्यूम दैट एन ए इज ग्रेटर दैन इक्वल टू बी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ये अज्यूम कर लिया कि एन ए इज ग्रेटर दैन इक्वल टू बी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। फिर एक और सेट हम डिफाइन करते हैं, लेट सेट एस इज इक्वल टू सम एन ए सच दैट एन बिलोंग्स टू आई प्लस। जैसे हमें पता है एन ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसका ये मतलब है सेट एस जो है वो क्या है, बाउंडेड अबव सेट एस। दिस सेट एस इज बाउंडेड अबव। दिस इंप्लाइज S has a supremum say M। मान लेते हैं कोई supremum है क्योंकि NA जो है वो B से बड़ा है और इसका मतलब number line पे आप दिखाओगे तो किधर जाएगा, right side में, मतलब it's moving towards right hand side, so and hence it has got a what? It has got lowest upper bound which is nothing but supremum, bounded above हो गया। सॉरी लेट अस अज्यूम दैट, नहीं उल्टा लेकर के चलना है ये, राइट आपको तो ये प्रूव ही करना था, सॉरी आपको ये दिखाना है कि एन ए इज ग्रेटर देन बी है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि ठीक है चलो जाओ तुम जो बोल रहे हो ना वो गलत है और हम मान के चल रहे हैं दिस इज लेस देन इक्वल टू बी। तो अगर ये लेस देन इक्वल टू अगर बी है तब यहाँ पे क्या है, लेफ्ट से राइट में जाएगा तो फिर किधर बाउंड्री लगे, लेफ्ट मतलब इट इज बाउंडेड सॉरी राइट में बाउंड्री लग गया मतलब इट इज बाउंडेड अबव एंड हेंस इट हैज गॉट अ सुप्रीमम। ओके सो यहां पे फॉर ऑल हम लिख सकते हैं एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, एन ए इज ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि हमने सुप्रीमम ही अज्यूम किया है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें एक टर्म ऐड कर दीजिए एन प्लस ए टाइम्स ए, ये भी होगा, कुछ भी कर दो इधर, इससे तो छोटा ही होना है, लॉजिक समझ में आ रहा है, क्योंकि M को आपने सुप्रीमम बोल दिया, सुप्रीमम मतलब वो तो सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट है, तो अगर हम NA ले तो ये भी M से छोटा होना चाहिए, N प्लस 1 A ले तो ये भी M से छोटा लेना होना चाहिए, होना ही चाहिए। फॉर ऑल N बिलोंग्स टू I प्लस NA is less than equal to, इससे देखो क्या बन जाएगा यहाँ पे, इसको आप एक्सपैंड करो इसको, तो NA plus A less than equal to M होगा, so this implies NA is less than equal to M minus A। समझ में आया, लॉजिक समझिए, फॉर ऑल सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एन ए शुड बी लेस देन इक्वल टू एम। चलो आपने बोला हाँ सही है, अगर ये सुप्रीमम है तो कुछ भी कर लो इधर वो एम से तो छोटा ही होना चाहिए, तो किया, लेकिन यहां पे आपको क्या दिख रहा कि एन ए इज लेस देन इक्वल टू एम माइनस ए, मतलब ये कि आपको कोई एक्स्ट्रा मिल जा रहा है एम माइनस ए और यहां पर तो एम बोल रहा है, सॉरी इधर नहीं यहाँ पे तो M बोल रहा, इधर बोलता है M से छोटा, इधर बोलता है M माइनस A से छोटा, तो बदल गया ना, कांस्टेंट कहाँ रहा, यूनिफॉर्म तो नहीं रहा। इसका ये मतलब है कि ये तो कॉन्ट्रेडिक्शन दिया, इसका मतलब क्या हुआ, M इज नॉट सुप्रीमम, अगर ऐसा होना था तो M इज नॉट सुप्रीमम,
अगर m सुप्रीमम नहीं है तो इसका मतलब हमारा अजम्पशन जो उसको सुप्रीमम मानने का था वो गलत हो गया, हेंस कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। और कॉन्ट्राडिक्शन अगर हुआ है तो हम लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर n सच दैट एन ए इज ग्रेटर देन बी, एन ए इज ग्रेटर देन बी। तो हमें यह प्रूव करना था एन ए इज ग्रेटर देन बी, इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है, इक्वल टू या लेस देन। तो हम दोनों ही मान के चल दिए कि एन ए इज लेस देन इक्वल टू, तो यहां पे करके देखा तो ये तो सुप्रीमम है ही नहीं। मतलब हमारा जो अज्यूम करने का तरीका था कि एन ए शुड बी लेस देन इक्वल टू बी, वो सरासर गलत है। अगर वो गलत है तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है दैट एन ए शुड बी ग्रेटर देन बी। क्या समझ में आया? तो इस तरह से ही कॉन्ट्राडिक्शन के हेल्प से ही हम बहुत सारी चीजों को प्रूव करते हैं। सो वी ट्राई टू प्रूव विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन ओनली। ओके, एक और चीज है लास्ट, उसके बाद फिर लेक्चर को करते हैं क्लोज। हेडिंग लिखिए डेडेकिंड्स फॉर्म ऑफ कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, डेडेकिंड्स फॉर्म ऑफ कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। बहुत ऑफ कोर्स ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी बचपन से अप्लाई करते हुए आए हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं ना, वो सारे जो हम लोग अप्लाई करते हैं तो सबका एनालिसिस देख रहे हैं। अच्छा, इसको ये बोला जाता है, इसके तहत हम ये करते थे, इसके तहत हम ये करते थे, एंड सो ऑन। तो ये सपोज मान लीजिए कुछ रियल नंबर का लाइन है, और यहाँ पे आपके कुछ हैं सपोज 0 1 2 3, लेट्स से 1 2 3 4, -1 -2 -3 इंटीजर्स हैं, रैशनल्स हैं, इरैशनल्स हैं, एवरीथिंग इज देयर। ये प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर सेट ऑफ रियल नंबर्स को, मतलब ये जो पूरा आर है, पॉजिटिव इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसको हम दो सेपरेट सब सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, दो सबसेट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। लेट से सपोज हम यहाँ से करना चाहते हैं, तो एक इधर बाइफर्केशन निकल गया जो कि इसका है, और एक दूसरा बाइफर्केशन यहीं से इधर निकल गया जो कि इसका है। तो ये जो कॉमन एलिमेंट हमें मिल गया, सो दैट इज लेट्स से दिस इज अल्फा, और इस केस में हम अल्फा इक्वल्स टू 2 मान के चल रहे हैं। तो एक तो सेट हो गया हमारा यहां से इधर का जो सेट है, इसको सपोज हम एल सेट मान रहे हैं लोअर, और इधर जो सेट है इसको हम यू सेट मान रहे हैं विच इज अपर। तो कोई एलिमेंट अगर हम उठा लेते हैं इस एल का, सो एक्स बिलोंग्स टू एल, दिस इंप्लाइज अगर कोई एलिमेंट अगर हम इस लोअर सेट मतलब एल सेट का अगर उठाए हैं, तो क्या आप ऐसे नहीं बोल सकते कि जो एक्स है दैट इज लेस देन इक्वल टू अल्फा, यस और नो? यस। साथ ही साथ अगर हम इस यू सेट का एलिमेंट अगर हम उठाए, तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा। तो एक्स जो है लेस देन इक्वल टू अल्फा, एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, अल्फा इज अ कॉमन पॉइंट आउट देयर। ऑल्सो x belongs to L y belongs to U, this implies, एक तो ये हो गया हमारा कि अगर कोई आप एलिमेंट L का उठाते हो तो उसको हम लोग x less than equal to ये लिख सकते हैं, अगर कोई एलिमेंट U का उठाते हो तो उसको हम लोग x greater than equal to वो लिख सकते हैं। कोई दो अलग अलग एलिमेंट आप उठा लिए, एक इधर उठा लिया, एक उधर उठा लिया,
सो कोई एलिमेंट एक्स है जो हम एल से उठाए हैं और कोई एलिमेंट वाई है जो हम यू से उठाए हैं, तो हमेशा हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस एक्स शुड ऑलवेज बी लेस देन वाई, यस और नो? सोचिए थोड़ा, अगर कोई एलिमेंट हम एल से उठाए हैं और वाई को इससे उठाए हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसका जो एलिमेंट है वो इसके छोटा होगा। क्लियर? एक तो ये दिखा दे रहा है कि हाँ कॉमन हो सकता है, लेस देन बी इक्वल टू, ग्रेटर देन बी इक्वल टू और लेस देन, तो दोनों ही चीज करके दिखा दिया। तो इसी चीज को आप वर्ड्स में लिखिए, इफ एल एंड यू आर टू सबसेट्स, आर टू सबसेट्स ऑफ आर सच दैट क्या क्या कंडीशंस? पहला कंडीशन की नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, सो एल इज नॉट इक्वल टू फाइव और यू इज नॉट इक्वल टू फाइव। दूसरा, जब एल को यूनियन कर दोगे आप यू सेट से तो आपको आर मिलेगा। और तीसरा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एल, जितने भी आपके एक्स हैं और वो एल को अगर बिलोंग कर रहे हैं आपको फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू यू एंड फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू यू कंक्लूजन में मिलेगा कि एक्स शुड बी लेस देन वाई। देन अगर ये सारे कंडीशंस हैं तब लिखोगे देन एल हैज ग्रेटेस्ट मेंबर, एल हैज ग्रेटेस्ट मेंबर या फिर यू हैज स्मॉलेस्ट मेंबर, यू हैज स्मॉलेस्ट मेंबर, स्मॉलेस्ट मेंबर। थोड़ा हेवी हो जाएगा, यहां से इसको इजी करने का और कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में जाने से पहले आपको एक टास्क है, होमवर्क है, कमेंट सेक्शन है, होमवर्क है, आपको ये शो करना है, यू नीड टू शो ऑर्डर कंप्लीटनेस ऑफ रियल नंबर, कंप्लीटनेस ऑफ रियल नंबर इंप्लाइज डेडेकेंट फॉर्म ऑफ कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, डेडेकेंट फॉर्म्स ऑफ फॉर्म ऑफ कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। हमने ये देखा था कि सेट ऑफ रियल नंबर्स इज व्हाट, सेट ऑफ रियल नंबर्स इज ऑर्डर कंप्लीट, सेट ऑफ रियल नंबर्स इज ऑर्डर कंप्लीट, तो हमने एक तरीके से वो भी प्रूफ किया था। अब हम डेडेकेंट्स फॉर्म ऑफ कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी का हेल्प से ये शो करना चाहते हैं कि सेट ऑफ ऑर्डर, सेट ऑफ रियल नंबर्स इज ऑर्डर कंप्लीट, किसका हेल्प से, डेडेकेंट्स फॉर्म ऑफ कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। मतलब आप ये वाले चीज लेकर के आप प्रूफ करके दिखाइए कि सेट ऑफ रियल नंबर्स, आप यहाँ पे हमने सपोज कोई आर सेट लिया है तो सेट ऑफ रियल नंबर्स लेकर के आप इस चीज को आप प्रूफ करके दिखाइए कि इस प्रॉपर्टी के हेल्प से आप बता पा रहे हो दैट सेट ऑफ रियल नंबर्स इज ऑर्डर कंप्लीट। ठीक है, सो एक लेक्चर और लगेगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, रियल नंबर सिस्टम पार्ट थ्री, उसमें हम लोग सब आप लोग पढ़ेंगे बोलजानो, विस्ट्रास थ्योरम और ओपन सेट्स, क्लोज सेट्स वगैरह एंड सो ऑन, जो बची खची चीजें हैं रियल नंबर से रिलेटेड वो। इसके बाद फिर मेन बहुत स्पीड से चलेगा, एक्चुअली स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक वाला जो चीज़, इतना डेढ़ डेढ़ घंटा, दो दो घंटा, ढाई ढाई घंटा,
तीन तीन घंटा का जो लेक्चर हमने बनाया है ये आपका सिर्फ एक फ्रेमवर्क रेडी करने के लिए कि रियल एनालिसिस में एक्चुअली है क्या। जो मेन जिस्ट हुआ करता था वो ये था रियल नंबर को समझने के लिए इतने लेक्चर्स, 8-9 लेक्चर्स लग गए सिर्फ इस चीज़ को, उसके फंडामेंटल्स को समझने में। इसके बाद बहुत ही आसान है, बहुत मज़ा आएगा आपको। आप सीखोगे क्या, आपको सीखोगे जैकोबियन सीखोगे, पार्शल डेरिवेटिव सीखोगे, और उसके बाद फिर आप लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिबिलिटी, रीमैन इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स वगैरह वगैरह एंड वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें सीखोगे। बहुत फास्ट चलेगा इसके बाद सारे सारी चीज़ें। आई होप आज के लेक्चर से आपको एक और बूस्टअप मिल गया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा चीज़ें, ठीक है। बार बार देखिए इस चीज़ को, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करिए, और जैसे हम बता दे रहे हैं 2021 का एग्ज़ाम बहुत ही बेहद करीब है, और जितने भी क्वेश्चंस आपको यूट्यूब पे हम कराएंगे डू फॉलो इट रिलीजियसली, क्योंकि 21 वालों को बोला गया है, शुरू से ही बोला गया था कि आपके लिए यूट्यूब कोर्स ज़्यादा है, तो इस चीज़ को करिए। नाउ द लेक्चर्स विल कम ऑन वेरी रेगुलरली। आई वॉज टोटली लिटरली पैक्ड अप, बोला ना कि मैं एक्चुअली मैं बार बार खुद को झूठा साबित कर देता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि हाँ अब मैं आऊँगा रेगुलर, अब मैं आऊँगा रेगुलर, लेकिन होता क्या है ना कि इतना प्रेशर आ जाता है जिसके कारण से चीज़ें करना मैनेज नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसलिए हिसाब से, बट आई विल बी रेगुलर नाउ, एंड पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। ऑफेंड होना है तो ऑफेंड हो सके, आपका हक है, ऑफकोर्स आपका हक है, क्योंकि गलती मेरी है तो इसलिए आपका हक है ऑफेंड होने का, तो उस चीज़ में नहीं, लेकिन परसेप्शन चेंज होगा, होता ना कि कभी कुछ है ना, तो चीज़ें अगर कुछ गलत हो जाती हैं तो उसको करेक्ट करना पड़ता है। सो चीज़ें, कुछ चीज़ें मेरे से गलत हुई हैं जो मैं इतना डिले कर दे रहा हूँ और नहीं हो पा रहा था, लेकिन चीज़ें अब सही करने का समय आ चुका है, एंड आई विल डू माई बेस्ट, ठीक है। तो आपके डायनेमिक्स भी फ्रीक्वेंटली आएंगे, मैकेनिक्स भी फ्रीक्वेंटली आएगा, रियल भी फ्रीक्वेंटली आएगा, बाकी सब चीज़ तो ऑलरेडी आपका हो चुका है। आई होप कि जितना हो गया था कंप्लीट वो कंप्लीट हो जाएगा, कर लिए होगा ऑटोमेटिकली, और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो ऑटोमेटिकली आते ही रहते हैं, आप देखते रहते हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय, टेक केयर।